नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आप देख रहे हैं ऑल इन दी टिप्स। तो आज का वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा खास है। तो आपने थंबनेल या टाइटल वगैरह तो पढ़ ही लिया होगा कि 1000 व्यूज पे आपको YouTube कितने पैसे देता है। तो काफी लोग YouTube पे सर्च करते हैं कि 1000 व्यूज पे हमें YouTube कितने पैसे देगा। YouTube चैनल बनाने से पहले ही ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हम सिर्फ YouTube पे पैसों के लिए काम करेंगे। तो पैसों के लिए अगर आप सोचते हैं कि हम YouTube पे पैसों के लिए काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक टैलेंट है, अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है, अगर आप उसे शेयर करते हैं तो जरूर आपका चैनल एक अच्छी तरह ग्रो होगा और आपके मन में एक तरह की मतलब ईमानदारी तो होनी चाहिए और आपके मन में एक दिलचस्पी होनी चाहिए काम करने की, कि लोगों को आपका काम पसंद आए, जिससे आपके चैनल ग्रो होगा और आपको ये चीजें सोचना नहीं पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि 1000 व्यूज पे आपको YouTube कितना पैसा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरे प्रूफली तरीके से बताऊंगा, पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि कितना हमें 1000 व्यूज पे जो है YouTube पैसा देता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आपको, फिर मैं आपको अपने पीसी में बताऊंगा कि किस तरह से है जो हमें यूट्यूब पैसे मतलब 1000 व्यूज पे कितने पैसे देता है। तो सबसे पहले तो बात की जाती है कि यूट्यूब हमें 1000 व्यूज पे कोई पैसा नहीं देता है, ये सब एडवर्टाइजर हमें पैसा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वीडियोस के आगे एड्स वगैरह आती हैं, तो जब कोई उस एड पे क्लिक करता है तो हमें मतलब पैसे मिलते हैं उसके जरिए। कुछ हिस्सा यूट्यूब रख लेता है और कुछ हिस्सा हमें दे देता है, मतलब जैसे 45% वो रख लेगा और 55% हमें दे देता है। तो ये डिपेंड करता है कि 1000 व्यूज पे कितनी बार आपकी वीडियो पे एड आती है और कितनी बार लोग उस पर क्लिक करते हैं और उस एड का क्या प्राइस चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, जिसे हम सीपीसी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, तो वो कितना चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम इन सभी चीजों को मापते हैं। तो मैं आपको अपने पीसी में बताऊंगा, अपनी अर्निंग शो करूंगा कि किस तरह से जो है यूट्यूब मतलब पैसे देता है तो और 1000 व्यूज पे हमें कितने पैसे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरह से YouTube हमें 1000 व्यूज के कितने पैसे देता है, तो ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक पूरे प्रूफ के साथ। तो मैंने अपने Google AdSense का अकाउंट लॉगिन कर लिया है, जो मेरे YouTube के अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। जो मेरा YouTube अकाउंट है अपना ऑल इन दी टिप्स चैनल, उसके साथ जो है मेरा Google AdSense का अकाउंट कनेक्टेड है। तो मैं आज आपको उसकी अर्निंग्स के बारे में बताने वाला हूँ पूरा का पूरा, कि किस तरह से मुझे अर्निंग्स मिलती है और 1000 व्यूज पे आपको किस तरह से अर्निंग मिलती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस मंथ की, मैं आपको अर्निंग बताने वाला हूँ दिस मंथ। आप देख सकते हैं इस मंथ की अर्निंग 3 मिलियन व्यूज़ आए हैं और इम्प्रेशंस आए हैं 7 लाख। इम्प्रेशंस का मतलब है कि 3 मिलियन व्यूज़ में कितनी बार आपके वीडियोस के आगे एड्स आई हैं, तो वो है 7 लाख बार। 7 लाख बार जो है वो एड्स आपकी वीडियोज़ के आगे शो हुई है। तो मुताबिक 3 मिलियन के मुताबिक देखा जाए तो काफ़ी कम बार है जो वो एड वगैरह शो हुई है। तो 1,27,000 लोगों ने उसमें से क्लिक किया है उस ऐड पे। जब उस ऐड पे क्लिक किया है तो मुझे मिले हैं सीपीसी चली है उसके हिसाब से $0.01। तो जैसे मतलब वीडियो के आगे कोई मतलब 3 मिलियन टोटल व्यूज़ हैं, अगर 7 लाख भी और अभी वीडियोस के आगे मतलब एड्स वगैरह आई हैं तो उसमें से 1,27,000 लोगों ने क्लिक किया है उस ऐड पे और मुझे उसके हिसाब से $0.01 पर क्लिक पे मुझे उस पर पैसे मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि $0.01 एक ऐड पे क्लिक करने पर मुझे पैसे मिले हैं। तो ये आप अगर इंडियन की करेंसी में निकालना चाहे तो आप कैलकुलेटर से नोट वगैरह कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम नीचे। तो सबसे पहले ये October 1st की जो हमारी अर्निंग आ जाती है, 2 लाख टोटल व्यूज़ आए थे और 43,000 इम्प्रेशन, मतलब 2 लाख हमारे जो व्यूज़ आए थे उस दिन और 43,000 बार जो है हमारी ऐड वगैरह शो हुई थी और 9,000 लोगों ने उस पर क्लिक किया था और हर ऐड का जो प्राइस था वो था $0.01। तो $0.01 आप लगा कर अगर हम हिसाब से लगाएं तो टोटल जाके हमारा बना जाके एस्टिमेटेड अर्निंग यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो एस्टिमेटेड अर्निंग हमारी शो होगी। तो चलिए आप देख सकते हैं कि $0.01 जहाँ पे है हर कहीं मतलब कॉमन है सीपीसी जो हमारी आ रही है इस मंथ की, और कहीं तो हमें सीपीसी $0.00 ही मिल रही है, बिल्कुल ही ख़त्म मतलब ज़ीरो। तो हम ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आपको अर्निंग वगैरह मेरी शो होना शुरू हो जाएगी। देखिए टोटल अर्निंग है $829।
तो पहली तारीख की आ गई 2 लाख व्यूज, 43,000 बार एड शो हुई, 9,000 लोगों ने क्लिक किया, 9,237 लोगों ने क्लिक किया और जाके अर्निंग बनी हमारी एंड में जाके $77। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर हमारी 0.01 CPC थी, $0.01 अगर हमारी CPC थी तो हमारे 9,000 बार लोगों ने मतलब क्लिक किया है तो हमारी कम से कम अर्निंग $90 बननी चाहिए थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। अगर आपकी ट्रैफिक इंडिया की आ रही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में एडवर्टाइजिंग पे काफ़ी ज़्यादा कम पैसे खर्चे जाते हैं। जितनी रिच कंट्री होगी आपको उतनी CPC ज़्यादा मिलेगी और आपको उतनी ही अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। अगर मेरी USA से ट्रैफिक आती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने थे, शायद मुझे 2 लाख पे $400 मिल जाते, क्योंकि उनकी CPC ज़्यादा होनी थी। CPC का मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक, अगर कोई ऐड पे क्लिक करता है तो उसका हमें कितना प्राइस मिलता है। तो इंडिया में तो सिर्फ $0.01 मिल रहा है, तो क्या पता USA में मुझे $0.10 मिलता या $0.50 मिलता। तो ये तो उन पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख, और दूसरे दिन में देखे जाए तो अक्टूबर 2 की 2 लाख व्यूज थे, 13,000 बार लोगों ने क्लिक किया था। तो ये तो किस्मत है कि कितनी बार लोग क्लिक कर जाते हैं और कितनी बार आपके मतलब वीडियोज़ के आगे एड शो होती है। तो $107 बने थे, यहाँ पर हमारी $0.01 CPC चल रही थी कॉस्ट पर क्लिक। तो इसी हिसाब से मतलब अगर 1000 व्यूज़ की बात की जाए तो 1000 व्यूज़ में मतलब कितनी बार एड्स आती हैं और कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं 1000 में, तो कितने बार उसमें लोग क्लिक करते हैं और कितना ऐड का प्राइस चला है। अगर $0.01 की CPC चल रही है तो सिर्फ आपके $10 बनेंगे या $9 बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है CPC पे, कॉस्ट पर क्लिक पे। तो 1000 व्यूज़ पे तो आपको इसी तरह मनी मिलती है। तो ये डिपेंड किया CPC पे और कि इम्प्रेशन पे कि कितनी बार ऐड वगैरह शो हुई, इससे ही हमारा रेवेन्यू वो है इंक्रीज़ होता है और उसी हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से 1000 व्यूज़ पे पैसे मिलते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपको ज़रूर समझ आई होगी ये वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में और मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें।